हेलो व्यूअर्स, तो अभी हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। अभी तो आज का पूरा गाइड टूर रहेगा सिलीगुड़ी तक, कैसे कैसे जाना है। तो हम लोग पटना से बस से सिलीगुड़ी जा रहे हैं, और कैसे जाना है वो पूरा गाइड करेंगे, और जो भी रेंट ये सब है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिलीगुड़ी जाने के लिए आपको क्या, पटना से कहाँ से बस लेना और कैसे जाना है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं फिर। अभी तो पहले अपना घर से निकलेंगे, यहाँ से 4 लाइन जाएंगे जहाँ पे हम लोग जाके चाय पीते हैं, वहाँ से बस धरेंगे, वहाँ से बैरिया स्टेशन, सॉरी बस स्टैंड आएंगे। बैरिया बस स्टैंड है पटना का मेन बस स्टैंड, वहीं है। वहाँ से हर जगह जाने का गाड़ी मिलता है, मतलब ओवरऑल पटना का मेन बस स्टैंड है बैरिया बस स्टैंड, जो कि मेरे घर से लगभग यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से जाने के लिए अभी बस लेंगे 4 लाइन के नीचे से, और फिर वहाँ से बस लेंगे सिलीगुड़ी का। तो ब्लॉग में बने रहिए, पूरा टूर गाइड देंगे सिलीगुड़ी तक, और वहाँ क्या क्या घूमना है वो सब कुछ दिखाएंगे। तो मिलते हैं अब थोड़े टाइम बाद। तो ये है बिहार का लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसी से अभी बैरिया बस स्टैंड जाएंगे। यहाँ पे आ चुका है बस, इससे बैरिया स्टैंड जाएंगे। चढ़ गए सब लोग दोस्त। यह पटना के सबसे बड़ा बस स्टैंड, यहाँ से हर जगह जाने का गाड़ी मिल जाता है। शानदार बनाया भाई, आ गए यहाँ से राजबस लेंगे, राजबस लेके निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। राजबस का सर्विस थोड़ा बढ़िया है, अच्छा से उसका साफ़ सफाई भी रहता है बस में। चलिए दिखाएंगे आपको बस भी, ये सब और कहीं कहीं जाने वाला है। मुजफ्फरपुर से पूरा जाने वाला है, मुजफ्फरपुर वाला है, खुलता है झारखंड, बहुत सारा जगह जाता है यहाँ से। आप जा सकते हैं बैंगलोर, ये सब सब जगह हम लोग का राजबस है सिलीगुड़ी जाने के लिए। और भी सिलीगुड़ी जाने के लिए खुलता है, पर राजबस थोड़ा सही है। राजबस यहाँ पे 4-5 तरह का खुलता है, 2 काउंटर है, या 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, 6 बजे तक खुलता है। यह है बस, अच्छा बस रहता है इसका, मतलब सस्पेंशन ये सब काफ़ी बढ़िया है, 2x2 है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, मतलब ठीक है। बस स्टैंड पे आ गए, हम मिलते हैं। अगर नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं तो ये है, देखिए इधर जो बस स्टैंड के लास्ट में आ जाइए, इधर एक पंचवटी होटल है, एकरा में चाहिए, यहाँ से आसपास में बड़ा मस्त खाना मिलता है, मतलब नॉर्मल पैसा में अच्छा खाना मिल जाता है नहीं अच्छा खाना खिलाता है, लेकिन है ही नहीं, लास्ट में है एकदम लेफ्ट साइड में बस स्टैंड के। अरे भाई 2000 रुपया लिया है भाई, 2 गो स्लीपर है, 1 गो नॉर्मल सीट है, पता नहीं कैसे कैसे, 700-700 का स्लीपर, 600 का नॉर्मल बैठने वाला, ऐसा ही दिया ही हमको तीन। हाँ हमको तीनों चाहिए था स्लीपर, लेकिन दिया ही नहीं, बोला 2 ही स्लीपर मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, यही बस में से जाना है। अभी आलू लोड हो रहा है बस में, लगता है सिलीगुड़ी में आलू कम होता है। तो यहाँ बस स्टैंड से बस खुल चुका है, जहाँ आप सिलीगुड़ी के लिए निकल गए यहाँ से बस स्टैंड से। देखते हैं अब बीच में कहाँ पे स्टैंड पे रोकता है, तो वहाँ रुकेंगे, तो वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। 3 को मिलके एडजस्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर 1 को 2 को पैर, उधर 1 आदमी, उधर बाकी, इधर 2 आदमी, एडजस्ट यार ही है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, मिलते हैं अब सीधा सिलीगुड़ी में, नहीं तो नेक्स्ट स्टॉप जो रोकता है वहाँ पे भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को बस वाला फंसा दिया, थोड़ा बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देके बोला कि बस 7 बजे नहीं है, 7 बजे बस था भाई, चीटिंग किया है। कोई बात नहीं, चल जाएंगे ऐसे ही, टाइम वही है, सेम टाइम पर पहुँचाता है। मैं कोई चार्ज कर लेंगे, चार्ज कर ले रहे अभी, रुका होटल में बेगूसराय में, वहाँ पे खाना खा रहे, पर तबीयत खराब हो गया भाई, बस से हालत खराब। पहुँच गए सिलीगुड़ी, सुबह के 8 बजे पहुँचा है भाई, 5 बजे बोल के सुबह के 8 बजे सिलीगुड़ी छोड़ा है। अभी सिलीगुड़ी स्टैंड से थोड़ा दूर जा रहे रूम लेने के लिए, काहे कि सिलीगुड़ी स्टैंड के पास ज़्यादा
पैसा लेता है रूम का, इसीलिए इसीलिए यहाँ से दूर से जा रही है। देखिए तो खुश के हाँ हाँ वहाँ थोड़ा बहुत जानता है, पहले भी आ चुके हैं एक दो बार। झूठ बोलना पड़ रहा है मतलब आए हुए हैं यहाँ बहुत बार। मनीष का फर्स्ट टाइम है खाली इसका, बाकी अमन तो यहाँ एक महीना रह के गया है, दो डेढ़ महीना यहाँ पे रूम लेके रह के गया है। कुछ ऐसा है यहाँ सिलीगुड़ी, नर्मदा नदी है, नर्मदा में पानी रहा है मनीष, अभी ना हो सूखा लो लेकिन पानी भरा रहा है। दशहरा के टाइम में, दशहरा वशहरा के टाइम में आते तो बहुत पानी रहता है। महानंदा ब्रिज है यहाँ पर, ये कलकत्ता के नॉर्थ में पड़ता है सिलीगुड़ी। ये अच्छा जगह है भाई, सेवक मोड़ में, यही है सेवक मोड़। दो भाई पेमेंट करो, देखिए उसका कबूतर इसका वेलकम कर दिया, इतना सारा कबूतर है, बाप रे भाड़ा पड़ा है भाई। अब उसका वेलकम हो गया कि उसके धरती पे कर दिया, सर पे खिला रहे हैं दादा अभी। ढेर सारा है बाप, कितना सारा कबूतर है। हम जब सिलीगुड़ी से थोड़ा दूर आके रूम लिए हैं, सेवक मोड़ करके एक जगह है उधर आके, इधर सस्ता में रूम मिल जाता है होटल मतलब, इसीलिए थोड़ा सा दूर होके आके लिए। बाकी सिलीगुड़ी को घूमेंगे आज शाम में, तब रिकॉर्ड करेंगे ठीक है। बाकी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रहेगा, होटल ये सब कल दिखाएंगे ठीक है, कल के वीडियो में। और भी जगह पर इधर उधर घूमने जाएंगे, इस्कॉन ये सब भी है, यहाँ का फेमस टेम्पल इस्कॉन टेम्पल, तो वो सब जगह पर भी जाएंगे। आएँ सिलीगुड़ी एक्सप्लोर करने के लिए बस, तो मिलते हैं अब कल के वीडियो में, होटल ये सब कल दिखाएंगे ठीक है।